पहले सूर्य कुमार यादव, फिर ईशान किशन, और दोनों ने मिलकर के पूरे पंजाब किंग को अकेले ही उड़ा दिया। पंजाब की ओर से लिंगस्टन और जितेंद्र शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी किया था। आईपीएल 2023 के 46वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस वर्सेज पंजाब किंग के बीच शानदार मुकाबला खेला गया, जिसमें कि बेहद ही रोमांचक मुकाबले में एक एक बॉल रोमांच से भरा रहा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पंजाब किंग के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। रोहित शर्मा का यह मुंबई इंडियंस के लिए 200वां मुकाबला था और इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले पंजाब को बल्लेबाजी। आप सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सूर्य कुमार यादव यानी कि स्काई द हाई, चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आए प्रभ सिमरन सिंह और शिखर धवन, दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ओवर चुनौती के बाद 9 रन बना लिए थे। पहले ओवर में पंजाब किंग ने 9 रन बना लिए, उसके बाद पंजाब किंग को पहला झटका दूसरे ओवर में लगा। अरशद खान ने तीसरे गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह को आउट कर दिया। प्रभ सिमरन सिंह 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर विकेट कीपर ईशान किशन को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैथ्यू शॉट क्रीज पर आए। पंजाब ने 2 ओवर में 1 विकेट पर 17 रन बना लिए। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब किंग ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 57 रन बना लिए। कप्तान शिखर धवन को मैथ्यू शॉट के साथ मिला। शिखर धवन ने 18 गेंदों में 26, मैथ्यू शॉट 17 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद थे। शिखर को 7वें ओवर में जीवनदान मिला। कुमार कार्तिक के गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने उनका आसान कैच छोड़ा। मुंबई इंडियंस ने अनुभवी लेग स्पिनर पीयूष चावला ने टीम को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 8वें ओवर में पंजाब किंग का कप्तान शिखर धवन को आउट कर दिया। धवन 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। विकेट कीपर ईशान किशन ने उन्हें स्टंप कर दिया। पंजाब 8 ओवर में 2 विकेट पर 65 रन बना लिए थे। मैथ्यू शॉट 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर खेल रहे थे और लियम लिंगस्टन 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद थे। लिंगस्टन क्रीज पर आ चुके थे और जो तूफान आने वाला था वो उसका खामोशी था। 95 रन के स्कोर पर पंजाब किंग का तीसरा विकेट गिरा। पीयूष चावला ने मैथ्यू शॉट को क्लीन बोल्ड किया। शॉट ने 26 गेंदों में 17 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। इस मैच में यह चावला की दूसरी सफलता। अब लिंगस्टन के साथ जितेंद्र शर्मा क्रीज पर है। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 99 यानी 99 रन हो गया है। 3 विकेट के नुकसान पंजाब किंग का स्कोर 100 रन के पार जा चुका। पीयूष चावला और लिंगस्टन क्रीज पर है, दोनों अच्छी लय में दिख रहे हैं और तेजी से रन बना रहे। पंजाब किंग को बड़े स्कोर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 13 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 120 रन हो गया। पंजाब किंग ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 145 रन बना लिए थे। जितेंद्र शर्मा और लिंगस्टन क्रीज पर है, दोनों ने 4थे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी कर ली। लिंगस्टन ने 28 गेंदों में 44, जितेंद्र शर्मा 11 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे थे। पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 215 का लक्ष्य दिया है। उसके 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए। पंजाब के लिए विस्फोट बल्लेबाज लिंगस्टन और विकेट कीपर जितेंद्र शर्मा ने तूफानी पारियां खेली। लिंगस्टन 42 गेंदों पर नाबाद 82 और जितेंद्र शर्मा ने 127 गेंदों पर नाबाद 49 रन की पारी खेली। लिंगस्टन ने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए, वहीं जितेंद्र शर्मा ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। दोस्तों बता दें कि लिंगस्टन का लगातार जोफ्रा आर्चर को 3 गेंदों में 3 छक्का भी शामिल था। लगातार जोफ्रा आर्चर को 3 गेंदों में 3 छक्के मार के लिंगस्टन ने इतिहास रच दिया था। दोनों ने 4थे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी की। पंजाब के लिए कप्तान शिखर धवन ने 20 गेंद में 30 और मैथ्यू शॉट 26 गेंदों में 27 रन की अहम पारी खेली। परम सिंह 9 रन ही बना सके। मुंबई के लिए पीयूष चावला ने 2 विकेट, अरशद खान को 1 सफलता मिली और इसी के साथ मुंबई इंडियंस को 215 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा कप्तान, उसके साथ ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए। मुंबई कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला इस मैच में नहीं चला। वह पहले ही ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज ऋषि धवन का शिकार बन गए। ऋषि की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में बाउंड्री के बाहर मारने के प्रयास में रोहित कैच आउट हो गया। अगर वहां पे प्लेयर नहीं होता तो वो गेंद छक्का होता, लेकिन उसका किस्मत जो आउट हो गया। बाउंड्री पर उनका शानदार कैच लिया। रोहित का मुंबई के लिए आईपीएल में यह 200वां मैच था, लेकिन वह इसे यादगार नहीं बना सके। पंजाब किंग के खिलाफ 215 का लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवा दिए। उसके 6 ओवर में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए। पावर प्ले समाप्त होने से ठीक पहले 6ठे ओवर की अंतिम गेंद पर मुंबई को दूसरा झटका लगा। नाथन एलिस ने कैमरन ग्रीन को राहुल चावल के हाथों कैच कराया। ग्रीन ने 18 गेंदों में 23 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए। उन्होंने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। फिलहाल ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर है। ईशान किशन और कैमरन ग्रीन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर मुंबई इंडियंस को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 91 रन बना लिए। ईशान किशन ने 26 गेंदों में 43 और सूर्य कुमार यादव ने 13 गेंदों में 20 रन बनाकर
क्या बात है, दोनों तीसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 37 रनों की साझेदारी कर ली है। मुंबई इंडियंस के विस्फोट ओपनर ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 29 गेंदों पर 50 का आंकड़ा पार कर लिया। ईशान किशन के बाद मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया है। मुंबई ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए। उसे जीत के लिए 7 ओवर में 77 रन बनाने हैं। ईशान किशन 33 गेंद पर 57, सूर्य कुमार यादव 24 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद है। मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका 16 ओवर की पहली गेंद पर नाथन एलिस ने दिया। उन्होंने तूफानी बल्लेबाज करने वाले सूर्य कुमार यादव को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराया। सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर ताबड़तोड़ अंदाज में 66 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। आपको बता दें दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव अभी वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। मिडिल ओवर में, मिडिल ओवर के दरमियान सूर्य कुमार यादव से बड़ा कोई बल्लेबाज नहीं है वर्तमान समय में। उससे उसके आगे पीछे भी कोई बल्लेबाज नहीं है। मुंबई इंडियंस को चौथा झटका 17वें ओवर की पहली गेंद पर लगा। अर्शदीप सिंह ने ईशान किशन को आउट कर दिया। किशन ने 41 गेंदों पर 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऋषभ धवन ने बाउंड्री पर उनका शानदार कैच लिया। ईशान ने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए। ईशान के आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए और दूसरे छोर पर टीम डेविड उनका साथ देने के लिए खड़े हैं। मुंबई ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 194 रन बना लिए। उसे जीत के लिए 18 गेंदों पर 21 रन चाहिए। और इसके साथ ही तिलक वर्मा ने छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस को जीत दिलवा दिया है। मुंबई इंडियंस इस मैच को 6 विकेट से जीत गया है और 7 बॉल भी बाकी रह गया था। 18.5 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 216 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का तूफानी शानदार पारी शामिल था। और लास्ट में तिलक वर्मा का नहीं भूलने वाला छक्का भी याद रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।